إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام

जो अकेला पूरी दुनिया का खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बदहू उसके तमाम नबियों रसूलों पर दरुद व सलाम नाजिल हों खूस आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन आज मुहर्रम की तीन तारीख है और मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है बहुत सारे लोग इस्लामी महीनों के नाम भी नहीं जानते क्योंकि हम मुसलमान हैं हमें इस्लामी महीनों के नाम मालूम होना चाहिए इस्लाम की बहुत सारी इबादतें इस्लामी महीनों से जुड़ी हुई हैं इसलिए इस्लामी महीनों की मालूम हासिल करना तारीख़ मालूम करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है ये माह बहुत ही मोहतरम है इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की नस्बत अल्लाह की तरफ की है वैसे तो साल के बारह महीने भी अल्लाह के हैं साल के तीन सौ साठ और तीन सौ पैंसठ दिन भी अल्लाह के हैं हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह का बनाया हुआ है लेकिन माह मुहर्रम को खसूसी तौर पर अल्लाह की तरफ मंसूब करना ये इस बात की दलील है कि इस महीने में कुछ खासियत है इसीलिए इस महीने को मुहर्रमुल हराम कहते हैं। वो मुहर्रम जो हरमत का महीना और हमने बारह ये बात बताई है कि अल्लाह तबार व तआला ने बारह महीनों में से चार महीनों को मोहतरम बनाया अल्लाह ताला ने कुरानी मजीद में फ़रमाया इन इद्दत शहूर इनदल्ला इस ना शहरन बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक बारह है फी किताबिल्लाह और अल्लाह ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया ये कब से हैं अल्लाह ने फरमाया वल अर्स जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया है उसी वक्त से ये बारह महीने चले आ रहे हैं अल्लाह ने फरमा मिनहा अरबात हरम ये बारह महीनों में से चार महीने हरमत के हैं जयाली का यही मज़बूत दीन है तो वो चार महीने जो हरमत के हैं सही बुखारी की हदीस के मुताबिक ज़ीक़ा हिज्जा मुहर्रम और रजब ये चार महीने हुरमत के हैं हमें इन महीनों का एहतराम करना चाहिए इन महीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए अपने नफ्स पर जुल्म नहीं करना चाहिए हमेशा हर घड़ी अपने आप को जुल्म से बचाना है लेकिन ये चार महीनों में खसूसी तौर पर अल्लाह तबारक तआला का खौफ और डर अपने दिल के अंदर पैदा करना इसलिए कि जिन महीनों में सवाब बढ़ जाता है उन महीनों में गुनाह भी बढ़ जाता है किसी महीने में सवाब करने से नेकियां ज़्यादा मिलती हैं तो उस महीने में गुनाह करने से गुनाह भी ज़्यादा मिलते हैं इसलिए हमें इन महीनों का खसूस तौर पर एहतराम करना चाहिए और इस महीने में दसवीं तारीख़ जिसको हम आशूरा कहते हैं शरीयत में जब आशूरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब दस मुहर्रम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलु बाद रमज़ान रमजाना शहर मुहर्रम रमज़ान के बाद सबसे अफजल और बेहतर अगर कोई रोज़ा है तो वो अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की नस्बत अल्लाह की तरफ की मालूम यह हुआ कि यह महीना हरमत के साथ साथ और ज्यादा मोहतरम हो गया क्योंकि इसकी नस्बत अल्लाह की तरफ जोड़ दी गई जिस तरीके से एक इंसान की कई औलाद होती है लेकिन किसी औलाद से वो ज़्यादा प्यार करता है लाड प्यार में कभी किसी से मुलाकात के वक्त उसकी तरबियत या उसके अखलाक और उसके किरदार से खुश होकर कहता ये मेरा बेटा है हालांकि सारे बेटे उसके हैं लेकिन उससे उनसीयत ज़्यादा होती है मोहब्बत ज़्यादा होती है उसके अखलाक और किरदार से वो मुतमईन होता है जिसकी बुनियाद पर खूसी तौर पर अपने तरफ मंसूब करते हुए कहता ये मेरा बेटा तो सारे महीने अल्लाह के हैं लेकिन महीने मुहर्रम के महीने को अल्लाह की तरफ मंसूब करना इस बात की दलील है कि तमाम महीनों में मुहर्रम का महीना ज़्यादा मोहतरम और ज़्यादा पसंदीदा रमजान के महीने के बाद इस रोज़ इस मुहर्रम के रोज़े की अफजलियत सदी से साबित हुई मालूम ये हुआ कि मुहर्रम में रोज़ा रखना अल्लाह को बहुत महबूब है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह अफजलसलात इबादलफ़रीजत सलातुल फ़र्ज नमाजों के बाद अगर सबसे अफजल नमाज़ कोई है तो वह तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज से मुराद पंज वक़्ता नमाज जो हम पढ़ते हैं फजर जहर असर मगरबे शाह ये फ़र्ज़ हैं इनको पढ़ना ही है अगर कोई फ़राइज का इनकार करता है तो वो काफिर है और जान बूझ कर छोड़ता है तो वो फासिक और फाजिर है फ़राइज के बाद अगर किसी नमाज की सबसे ज़्यादा अहमियत और फजीलत है तो तहजद की नमाज अल्लाह के नबी सल्ला वसम तहजद का अहमाम करते थे आपके सहाबा तहज का अहतमाम करते थे इस उम्मत में जो असलाफ गुजरे हैं उन्होंने तहजद का अहतमाम किया तहजुम में तहजद में इनफरादी तौर पर इंसान अल्लाह से करीब होता है ये दुआ की कबूलीत का वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए उठता है वजू करता है अल्लाह के सामने सजदा रेज होता है कोई दुनिया दुनिया का कोई शख्स उसको देखता नहीं सिर्फ़ अल्लाह का और उसका मामला रहता ये दुआ की कबूलियत का वक्त है इसीलिए प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अफजल सलातलफरीदलात फ़र्द नमाज़ों के बाद अगर सबसे अफजल और बेहतर कोई नमाज है तो वह तहजद की नमाज़ है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रबालमीन हमें इस महीने की रोज़े का अहमाम करने की तोफ़ी नायत फरमाए और रात में तहजद का भी एहतमाम करने की तोफ़ी इनायत फरमाए लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि तहजद की नमाज़ की फजीलत फ़राइज के बाद ही है बहुत सारे लोगों को देखा गया है बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं हम तहजद का अहतमाम करते हैं हकीकत यह है कि उनकी फजर गायब रहती है तो वो नमाज़ें जो नफिल हैं उनकी फजीलत गर्ज है लेकिन फ़राइज को छोड़ कर अगर अंजाम दिया जाए तो वो हमारे लिए कार्य स्वब नहीं हो सकते इसलिए बादल फरीजा फ़र्ज नमाजों के बाद अगर फजीलत वाली नमाज है तो वह तहजद की है फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ करके तज का अहितमाम करें तो वो तहजद किसी काम की नहीं हमारे बहुत सारे साथियों को हमने देखा है बहुत से लोग तजद का अहतमाम करते हैं तहजद का अहमाम करते हालांकि फ़र्ज नमाजें छोड़ते रहते हैं तो हमें इसका खसूसी तौर पर ख्याल करना चाहिए इसी तरीके से हद ऐशा सिद्दीक़ार रजील्ला तय करती हैं कानत कुरैश तसूम आशूरा आफिल जाहलिया क्रैश के लोग आशूरा का रोजा जमाने जाहिलियत में रखा करते थे यानी ये आज का नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कुरैश के लोग जमाने जाहिलियत में भी इस रोजे का एहतिमाम करते थे व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आशूरा के रोजे का एहतिमाम करते थे फलम्मा हाजरा इलल जब अल्लाह के नबी सल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा सा महू वो अमर अब में ही आपने आशूरा का रोज़ा रखा और अपने सहाबा को भी आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया फ़लम्मा फरीजा शहर व रमज़ान लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने अख्तियार दे दिया काला <coughs> मनशा असाम मनशा अतरक हो अब रमज़ान के रोजे फर्ज हो गए हैं जो चाहे आशूरा का रोजा रखे और जो चाहे छोड़ दे ये सही मुस्लिम की हदीस है मालूम ये हुआ कि रमज़ान के रोजे फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा फर्ज था इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम करते थे आपने अपने सहाबा को भी एहतमाम करने का हुक्म दिया लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो अख्तियार दे दिया गया जो चाहे रोजा रखे जो चाहे न रखे लेकिन उसका सवाब इस्तेहबाब बाकी है हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सुइल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौम आशूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के रोजे के मुतालिक सवाल किया गया किसकी इसकी फजीलत क्या है तो आपने फरमाया युकफ्फिरुस्सनातल मादिया गुज़िश्ता एक साल का गुनाह माफ हो जाता है मालूम यह हुआ कि अगर कोई आशूरा का रोज़ा रखता है तो एक साल के गुनाह जो गुजर गए हैं पिछले एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं मालूम यह हुआ कि आदमी को आशूरा का रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए मैंने बारह बताया आशूरा का मतलब मुहर्रम की दसवीं तारीख ये भी सही मुसलिम की हदीस है अल्लाह के नबी वसल्लम को जब मालूम हुआ कि मदीने के यहूदी लोग भी रोज़ा रखते हैं आपको बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा मुताश तो मैं नौ को भी रोज़ा रखूँगा मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुखालफत में कि वो दस धल्जा का रोज़ा दस महर्रम का रोज़ा रखते हैं तो हम नौ को भी रखेंगे यहूदियों की मुखालफत करेंगे तब इसके की अपनी बात आगे बढ़ाऊँ मैं आपको बता दूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो सुन्नत है आपने जिस काम के करने का इरादा किया है कर नहीं सके वो भी सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और आपने उस पर नकीर नहीं की मना नहीं किया वो भी सुन्नत है तो आपका करना भी सुन्नत है आपका कहना भी सुन्नत है और आपके सामने कोई काम किया गया और आपने खामोशी अख्तियार की यह भी सुन्नत है अब इस हदीस को अपनी सामने रखने के बाद ये बात मालूम हुई कि हमको नौ और दस दो रोज़े रखने हैं नौ मुहर्रम और दस मुहर्रम को रोज़े रखने हैं अल्लाह के नबी ससरम ने इरादा किया सही मुस्लिम की हदीस है लेकिन अगले साल तक आप जिंदा नहीं रहे आप ससरम दुनिया से रुखत हो गए लेकिन आपने इरादा करके उम्मत को यह सबक दे दिया कि इसका अहतमाम करना है अब हमें नौ मुहर्रम और दस मुहर्रम को रोज़े रखने हैं अगर हमने दो रोज़ों का अहतमाम किया तो पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस साबित है इस दिन की यह फजीलत क्यों है बहुत सारे लोग ये समझते हैं कहते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नौ की शहादत हुई हमने बचपन में सुना है ख़वातीन कहा करती थी कि अल्लाह के रसूल के नमाज़ से शहीद हो गए हम रोज़ा रखते हैं बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है आज भी बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हैत हुसैन रदी अल्लाह तैनों की शहादत हुई थी इसलिए हम रोज़ा ये गलत है यह हैत मूसा सलातम को अल्लाह ने और मूसा सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने, ने फिराउन से और फिरावनीों से नजात दिया था मजीद में अल्लाह ताक़े का जिक्र किया है कि हर तूसल को अल्लाह तकम दिया कि बनी इसराइल को लेकर के इस बस्ती से निकल जाए है तो सलामाम बनी इसराइल को लेकर के बस्ती से निकल रहे हैं रात का वक्त था फिराउन को मालूम हुआ पीछा किया पूरे लश्कर के साथ पूरी कुत और ताकत के साथ हैतमूसा साला तो उसम बनी इसराइल को लेकर के दरिया के पास पहुंचे सामने दरिया है पीछे फिराउन का लश्कर अजीब मामला है आगे बढ़ेंगे तो दरिया में डूब जाएंगे और फिरौन के लश्कर से मुकाबला कर नहीं सकते हैं अल्लाह तबारक वाली ने खूसी तौर पर हैत मूसा सलाम की मदद की और मूसी सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को दरिया पर मारें मूा सलातम ने अपने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी को दरिया पर मारा और अल्लाह ताल ने रास्ता बना दिया <इन>। मूसीम अपनी कौम को ले करके पार हो गए फिरओन ने सोचा रास्ता तो बना ही है वह भी अपने लश्कर के साथ उसी रास्ते से चल पड़ा सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म की मोहताज हैं जब अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया तो उसने मूसा और मूसा इस्लाम की कौम के लिए रास्ता दे दिया और फिर जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो रास्ता ख़त्म हो गया उसी दरिया ने फिरौन को और उसके साथियों को डुबो दिया वो आज ही ये आशूरा का दिन है मुहर्रम की दसवीं तारीख जिस दिन अल्लाह तबारक व तारा ने फिरौन को उसके लश्करियों के साथ उसके गुरूर और तकबर को दरिया बुरद कर दिया ये अल्लाह तबारक वाली की तरफ से एक फतेह का ऐलान था हत मूसा सलाम को अल्लाह ताली ने फतेह और कामरानी दी और एक जालिम और जाबिर बादशाह को अल्लाह तबारक व तैयार ने दरिया बुरद कर दिया है तो मूसा सलाम ने अल्लाह का शिक्र अदा करते हुए इस दिन क्या किया रोज़ा रखा अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं मूसा मेरे भाई हैं वो नबी थे मैं भी नबी हूँ इसलिए मैं ज़्यादा मुस्तक हूँ कि मूसा सलाम की इस सुनत को जिंदा रखूँ अल्लाह के नबीम ने रोज़ा रखा मूसा की फ़तेह और कामरानी की याद में लेकिन इतफाक़ ऐसा हुआ अल्लाह के रसूल सफ़ात के बाद आपके नवासे हत हुसैन रजी अल्लाह त वो भी मुहरम की दसवीं तारीख को शहीद कर दिए गए जिसको योम शहादत कहते हैं हम आपको ये बात बता दें ये बहुत बात का मामला है ये जो हम रोज़े रखते हैं मुहर्रम की दसवीं तारीख का मुहर्रम की दसवीं तारीख के रोज़े की जो फजीलत है ये बहुत पहले की है इसका हैत हुसैन रजी अल्लाह तु की शहादत से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन यहाँ से एक बातिल नज़रिया एक बातिल अकीदा जन्म लेता और मुसलमानों में दो ग्रुप तैयार होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हत हुसैन रजी अल्लाह तहु को मजलूम शहीद कर दिया गया मेरे भाइयों सबसे पहले तो हम अपने जहनो दिमाग में ये बात रखें कि अल्लाह ने जो बात लिख दी है वो होकर रहे। के रहेगी अल्लाह के नबी नबीम की सही हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने नवासों को लेकर के बाहर निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे आपने फरमाया जो इन दोनों से मोहब्बत करता है वह मुझसे मोहब्बत करता है जो इन दोनों से नफ़रत करता है वह मुझसे नफरत करता है ये सारी हदीस अपनी जगह पर सही है हैत जबरील अलीसलम ने कहा अल्लाह के रसूल आप अपने नवासों से इतनी मोहब्बत करते हैं कहा हाँ कहा लेकिन आपके नवाशे को कत्ल कर दिया जाएगा आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा अल्लाह के रसूल सेलम फरमाते हैं मुझे उस ज़मीन की मिट्टी भी दिखाई गई मुझे उस जमीन की मिट्टी भी दिखाई गई जहाँ हजत हुसैन को शहीद किया जाएगा मालूम ये हुआ पहले से ये बात तय है अल्लाह तला ने नसीब में तकदीर में लिख दिया है और जो अल्लाह ने लिख दिया है उसको कोई टाल नहीं सकता और कोई इस्लाम में ये पहली शहादत थोड़ी ना है हैत हुसैन रज़ी अल्लाह तहों की शहादत से हमें कल और इसतराब है हमें गम है लेकिन ये पहली शहादत नहीं है ऐसी बहुत सारी शहादतें इस्लाम में हुई हैं हैत हमजा रज़ी अल्लाह तहु की शहादत जिसके जिनके बारे में अल्लाह के नबी सस ने फ़रमाया सैदुल शहदा ये तमाम शहदा के सरदार हैं जिनकी आँखें निकाल ली गई थी जिनके कान काट दिए गए थे जिनकी नाक काट दी गई थी जिनका सीना चाक कर दिया गया था जिनका दिल निकाल दिया गया था जिनकी लाश का मुसला कर दिया गया था प्यारे नबी ने फरमाया सही ये शहदा ये तमाम शहदा के सरदार हैं लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम ने अपने चचा की वफात पर शहादत पर मातम नहीं मनाया है तो उस्मान गनी रजी अल्लाह चौथे खलीफा हैं अगर आपकी शहादत के तस्करे किए जाए बारहा कर चुका हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं कलेजा दहल जाता है किस किस तरह उनको शहीद किया गया लेकिन उनकी शहादत का कोई मातम नहीं बनाता है इस्लाम में मातम है ही नहीं प्यारे नबीम ने फरमाया बल खुदूद व शक्ल जोयू यू बदा बेदा बल जा वो हमारे तरीके पर है ही नहीं जो मातम करते वक्त अपना चेहरा पीटे अपना गिरीबान पाड़े मातम इस्लाम में है ही नहीं हाँ कोई कोई अजीज़ कोई करीब हमसे जब रुखसत होता है जब इंतकाल करता है फितरी तौर पर इंसान को तकलीफ़ होती है और होनी चाहिए तीन दिन तक आप शोक मना सकते हैं लेकिन उसमें भी कोई ऐसी बात नौहा करना चिल्लाना गाल पीटना गरीबान नोचना वाबेला करना ये जायज़ नहीं है गम है कारोबार बंद रखेंगे खुशी नहीं मनाएंगे अच्छे खाने नहीं खाएंगे गम है सिर्फ तीन दिन तक कितने सालों से लोग हम मना रहे हैं मातम मना रहे हैं मेरे भाइयों किसी के नाम पर मरने के लिए लोग तैयार रहते हैं इन किसी के नाम पर जीने के लिए लोग तैयार नहीं होते आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई मदासराई की जाती है लोग नबी के नाम पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं अरे मुसलमान भाइयों नबी के नाम पर जीना सीखो नबी की सुन्नतों को अपनाना सीखो नबी नबीसलम के तरीके को अपनाना सीखो कमाल यह है किसी के नाम पर मरने की जरूरत नहीं है किसी को आइडियल और नमूना बना करके उसके रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो गई कुछ लोगों ने अपने आप को शिया कहा कुछ लोगों ने अपने आप को सुन्नी कहा फिर सुन्नियों में कई फिर हम 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 तफसील में नहीं जाना चाहते हम बताना चाहते हैं कि आशूरा की जो आशूरा का जो दिन है मुहर्रम की जो दसवीं तारीख है इसके अंदर दो अहम हादसा हुए एक हादसा फतेह और कामरानी का था तो सलाम को अल्लाह तबारक वाली ने फतेह और कामरानी नसीब फरमाई और एक हादसा नवास रसूल की शहादत का था लेकिन नवास रसूल की शहादत ये बहुत दिनों के बाद बरसों के बाद इस्लामी तारीख को बदला नहीं जा सकता इसलिए हमारे जहन व दिमाग में ये बात रहे कि हम हैत मूसा सलाम की फ़तेह और कामरानी की उस तारीख़ को ज़िंदा करने के लिए रोज़ा रखते हैं जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला रोजा रखा था और हमारे इस रोज़े का ताल्लुक़ हैत हुसैन रजी अल्लाह की शहादत से बिल्कुल नहीं है जो लोग हैत हुसैन रजी अल्लाह की शहादत का मातम करते हैं किस कदर शिरक और विदात और खुराफात में मुबतला आप अच्छी तरह से जानते हैं बाज जगहों पर हैत हुसैन रज़ी अल्लाह तबर की कब्र की शक्ल का ताजिया बनाया जाता है यहाँ के माहौल में बेंगलोर के हमने देखा है पंजे बिठाए जाते हैं वो पंजा जो पीतल का बनाया गया है किसी इंसान ने बनाया है लोग उससे तबर्रुक हासिल करते हैं लोग वहाँ पहुँचते हैं जिस तरीके से गैर मुस्लिम अपने देवी देवताओं के नाम पर चढ़ावे चढ़ाता है यहाँ भी लोग पहुँच कर के चढ़ावे चढ़ाते मिन्नते हैं मिन्नतें मानते हैं अदब के साथ खड़े होते हैं अपने बच्चों को उसके नीचे से गुजारना और तबरुख हासिल करना इसकी तालीम दे ये सब शिरकिया अमाल है ये सब शिरकिया अमान है एक मुसलमान ऐसी हरकत करे अपने आप को मुसलमान भी कहे कलमे तोहद और कलमे शहादत का इकरार भी करे और ऐसा शिरकिया काम करे हम सोच भी नहीं सकते मेरे भाई अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर सकता लेकिन शिरक को माफ़ नहीं करेगा इनल्लाक ला फिर आयुशर का भी व यक फ़िर मादू नज कले मै अल्लाह अल्लाह तमाम गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर सकता है लेकिन शिर को माफ़ नहीं करेगा जब तक कि तोबा नहीं करेगा अगर हमारी इस मस्जिद में बैठे हुए कोई साहब हूँ कोई मर्द कोई औरत जो इस तरह के शिरकिया अमाल करते हैं आज अल्लाह से तोबा कर लो ये शिरक है और इस यकीन के साथ तोबा कर लो कि तौबा करोगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा और आइंदा के लिए इन कामों को छोड़ दो हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको महफूज रखे लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक यह हरकत की है तो अभी भी मौका है वह शिरक से तोबा कर ले यकीनन अल्लाह तबारक उसके गुनाह को ज़रूर माफ़ करेंगे इसी तरीके से मुहरम बिदात और खुराफात की जो हवा चलती है उसमें ढोल और ताशे बजाना ढोल ताशा इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक ढोल ताशा ये तो सब शैतानी अमल है अपने आप को इस्लाम से जोड़ने वाले ढोल और ताशा बजाएं ये सब शैतानी अमल है हमें अपने आप को इससे बचाने की जरूरत है। इसी तरीके से इस महीने में पहली मुहर्रम से लेकर के दसवीं मुहर्रम तक साहब कर की वो मुकदस जमात जिन्होंने नबी वसल्लम का सपोर्ट किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदीस को लोगों तक पहुंचाने में और आपके मिशन को कामयाब करने में दिन रात कोशिशें की उन साहब कराम को लोग गालियां दे देते हैं और वो मुक़दस जो तमाम मुसलमानों में सबसे अफजल हैं है तो अबू बकर है तो उमर फ़ारूक़ है तो ऊस्मान गनी और अल्लाह तुलफा इन तीनों को गालियां दी जाती हैं इनको गासिब कहा जाता है इनको इस्लाम का दुश्मन कहा जाता है और नउज़ बिल्ला इनके ऊपर इरतदाद की तहमत लगाई जाती है यह तो वो सहाबा हैं कि अगर हमने इनके ईमान के बारे में भी शक किया तो हमारा ईमान शक के दायरे में आ जाएगा बारह में इन सहाबा की फजीलत के ताल्लुक से बात कर चुका हूं और आइंदा भी इंशाला बातें होंगी लेकिन आज का मुख्तसर वक्त इस बात का मुताबल नहीं है ये की फजीलत के सिलसिले में गुफ्तु छेड़ी जाए तो जहां बहुत सारे गलत काम होते हैं इस अशरे में साहब के नाम को गालियां दी जाती हैं उनके ईमान और उनके अकी पर कदगन लगाई जाती है और उनको लोगों के सामने जलील और रुसवा करने की कोशिश की जाती है और ऐसे लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं प्यारे नबी ससर ने फरमाया मेरे सहाबा से मोहब्बत ईमान की दलील है और जो मेरे साहबा से नफरत करेगा यह कुफर की दलील है साहब कराम को गाली देने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता इस महीने की जहाँ बहुत सारी फजीलतें और यह महीना जो बहुत सारी यादगार अपने अंदर रखता है इसकी एक अजीम यादगार कि ये मुसलमानों की मजलूमियत और उसके बाद मदीना पहुँचने के बाद मुसलमानों की फतेह और कामरानी की एक अजीम यादगार मक्का मुकरमा के अंदर अल्लाह के वसल्लम 40 साल तक रहे और चालीस साल के बाद आपको नबूत से सरफराज किया गया नबी होने के बाद आपने तेरह साल ज़िंदगी मक्का के अंदर गुजारी ये तेरह साल में आपको कितनी परेशानियाँ हुई आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा ताइफ के मैदान में आपको जख़्मी किया गया आपके सहाबा को रस्सियों में बांध करके चिलचिलाती हुई धूप पर और रेत पर लटाया गया सहाबा को दहकते हुए अंगारों पर लटाया गया बाद सहाबा को ईमान लाने के जुर्म में उन्हें चटाई में लपेट कर धोनी दी गई बाद उनके गले में और हाथों में रस्सियां बात करके बच्चों के हवाले कर दिए गए ये तमाम जुल्म की वो दास्तानें हैं जो इस्लाम कभी भुला नहीं सकता गरज यह की मुसलमानों को मक्का के अंदर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया अल्लाह के नबी वसल्लम आले यासिर पर म्म की जब वो वो मंजर देखते थे जुलम का तो आप कहा करते थे इस बरू या आला फुमाल जन्नत अरे आले यासिर सब्र करो तुम्हारा वादा जन्नत है दुनिया की ये मुसीबतें दुनिया की ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी लेकिन इन मुसीबतों परेशानियों को अगर झेल लोगे तो जन्नत तुम्हारे नाम पर होगी यकीनन तुम जन्नत में जरूर जाओगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ताक़द की बुनियाद पर साब कराम ने हर किस्म के जुल्म झेल लिए यहां तक की बात यहाँ तक आप पहुंची नादानों ने नाकबत अंदेशों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्रोग्राम बना लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से हटाने का प्रोग्राम बना लिया दारुलवा में मीटिंग हुई अल्लाह के नबी सल्हस बेखबर हैं अल्लाह तार ने हर तबरील को भेजा और बताया गया कि आपके बारे में लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं इससे पहले ही अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना हिजरत करने की आपने इजाज़त दे दी थी और मदीने से पहले आपने हबसा की तरफ भी लोगों को हिजरत की इजाज़त दी तो पहले मुसलमानों ने हबसा की तरफ हिजरत किया फिर बाद में मदीना लेकिन मदीना आपके लिए बड़ी साजगार साबित हुई साहब क्राम की एक बड़ी जमात मदीना में इकट्ठा हो गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत की इजाज़त मिल गई और आप अपने सहाबा के साथ जो बकिया साहबा थे आप भी मदीना चले गए तो ये हिजरत की ये ये मुख्तसर तारीख़ है जब साहब कराम पर आपके आपके ऊपर आपके सहाबा पर जुल्म हुआ तो अल्लाह तबार को तला ने आप लिए मदीने का रास्ता खोल दिया मदीना पहुँच करके एक साजगार हवा मिली हिजरत और नुसरत ये इस्लाम की तारीख का एक अहम बाब है वो सहाबा जिन्होंने मक्का से हिजरत की अपने घर बार को अपने खेतों को अपने खलियाणों को अपने कारोबार को अपनी तिजारत को छोड़ दिया और मक्का चले गए तो मदीना वालों ने क्या मक्के मक्के से मदीना चले गए तो मदीना वालों ने क्या किया उनके लिए अपने घर खाली कर दिए उनके लिए अपने दिलों को कुशादा कर दिया और ये हजरत किए तो उन्होंने नुसरत का सबूत दिया हिजरत और नुसरत ये इस्लाम का अजीम बाब है और जब भी कौम के अंदर ये दोनों जज्बा पैदा होगा तो इस कौम को कोई जेर नहीं कर सकता ये इस बात की भी दलील है कि कोई शख्स ये बहाना न बनाए कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहां पर नमाज पढ़ने में मस्जिद बनाने में अल्लाह का नाम लेने में हमें तकलीफ है अल्लाह तबारक तआला ने कहा अरजुल्लि वासिया अल्लाह की जमीन चौड़ी है अल्लाह की जमीन कुशादा है कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसी जगह पर जमे और बैठे रहें जहां आप अपने ईमान और अकीदे और उसकी उसकी भरपाई के लिए आप अमल ना कर सकें इसलिए शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि उस जमीन को आप छोड़ दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की परेशानियों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन पर अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों को बहुत ही इज्जत के साथ रखा है ये बात हकीकत है कि जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी इस इस भारत के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहें हैं जहां मुसलमान अपनी कुव्वत और ताकत और रौब और दबदबे के साथ आज भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन श्ला बाकी रहेगा हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको बाकी रखे तो आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर अपने दीन पर अमल नहीं कर सकते हैं तो आज भी जरूरी है कि उस जमीन को छोड़ करके ऐसी जगह पर जाएं जहां आप अपनी सामी शरीयत पर अमल कर सकें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके हिजरत की इजाज़त दे करके आपने ये सबूत दिया किसी को ये एतराज़ पैदा हो सकता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब हिजरत नहीं है यह हदीस सही है तो क्यों कहा हिजरत नहीं है आप हिजरत करके जब मक्का से मदीना गए तो मदीना पहुंचने के बाद आठ साल के बाद आपने फिर उसी मक्का पर फिर उसी मक्का पर फातिहाना तौर पर आपने दाखिला किया अपने सहाबा के साथ उस वक्त आप ने फरमाया था कि अब हिजरत नहीं है अब कोई मक्का में है तो इसको मक्का छोड़कर मदीने जाने की जरूरत नहीं है इसलिए कि अब मक्के में भी इस्लामी सल्तनत कायम हो गई है यह है अब हिजरत नहीं है इसका मफहम वरना आम लोगों के लिए ये सोचना ये सही नहीं है जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं तो इस तरीके से ये हिजरत और नुसरत ये इस्लाम की एक अजीम यादगार आज एक हज़ार चार सौ तिरालीस साल हो गए कितना एक हजार चार सौ तिरालीस साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के जुल्म से मक्का को छोड़ करके मदीने की तरफ हिजरत किया था एक सौ एक एक हजार चार सौ तिरालीस तारीख को याद रखे हैं और मुसलमानों याद रखो जहां एक हजार चार सौ तिरालीस साल हो गए कि मुसलमानों पर जुल्म हुआ था वहीं ये बात भी याद रखो कि एक हजार चार सौ तिरालीस साल पहले मदीने की लोगों ने अपनी जमीन को अपने खलियानों को अपने घरों को यहां तक कि अपने कारोबार और अपनी तजारत को भी मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था हम उस तारीख को याद रखें हालात बदलते रहते हैं कभी इंसान परेशानी में रहता है कभी खुशी में रहता है यही यही हिजरी तारीख जहां एक तरफ हमको यह बताती है कि मुसलमान बहुत मजलूम थे वहां दूसरा पहलू इसका यह है कि मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह और कामरानी से नवाजा हम इस्लामी तारीख को हमेशा याद रखें क्यों इसलिए कि जब इंसान अपनी तारीख को भूल जाता है तो उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है कुत अमल पहले फना होती है तब किसी कौम की शौकत पर जवाल आता है मेरे भाइयों यह हिजरी तारीख है तो उमर रजी अल्लाह तु के ज़माने में एक वाक़ा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे गए कहा गया ये किस महीने का कहा फला महीने का कहा कब का है तो सन नहीं था तो लोगों से मशवरा किया गया कि हम अपनी एक सन बनाए बहुत सारे मशवरे हुए लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए एक मशवरा यह था कि नबी करीम की विलादत को हम सन के हिसाब से रखें कहा नहीं विलादत को सन के हिसाब से रखना सही नहीं है एक मशवरा आया कि आपकी वफात को सन के हिसाब से रखा जाए वहां से तारीफ शुरू की जाए लेकिन है उमर उम्र रजी को यह भी नहीं मुनासिब है क्योंकि इसमें आपके वफात का मसला है फिर कुछ लोगों ने कहा कि गज् बदर चूंकि मुसलमानों को ये पहली फतेह काफिरों के ऊपर हासिल हुई गजवा बदर को हम अपनी इस्लामी तारीख का हिजरी सन बनाएं तो कहा नहीं ये भी मुनासिब नहीं तो एक मशवरा आया कि हिजरत को रखा जाए हिजरत को जो सन हिजरी रखा गया है कितनी नसीहतें हैं इसके अंदर कितनी इबरतें हैं हम सोच सकते हैं मेरे भाइयों इसके ऊपर मुस्तकिल खुतबे हो सकते हैं हिजरत यह इस्लामी तारीख की एक अजीम यादगार है जहाँ मुसलमानों की मजलूमियत यहाँ ख़त्म हुई वहाँ यहीं से मुसलमानों ने और इर्ता का वो इरत के वो मराहल तय किए अल्हम्दुलिल्लाह की कि पूरी दुनिया आज याद रखती है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक वल हमारी वो शानो शौकत हमारा वो रोबो दबदबा हमारी हमारी वो इरत और उर्ज अल्लाह तला दोबारा फिर हम सबको नसीब फरमाए अल्लाह तबारक तआला हमारे ईमान और अकीदे को दुरुस्त फरमाए अल्लाह हम सबको नबी करीम की सुन्नतों पर हमल करने की तौफीक नहाय फरमाए बिदअत और खुराफात से अल्लाह ती हम सबको महफूज रखे अल्लाह हमको हमारे बच्चों को हमारी नस्लों को शिरक और विदात से महफूज रखे अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रब्बना तकब्बल मन्ना इन न का अंत समयलीम व तुब अलैना इन न का अंत तो रहीम बिरहमतिका या अरहमर अरहमर आमीन